एक आदमी का अथवा ग्रुप का एक मूवमेंट है माइंड सपना रहता है असली जीवन जीने का, तो वो सपना से ये प्रभावित रहता है जनरली ये माइग्रेशन से दूसरा जगह माइग्रेट होता है। तो ये एक वो है और उसमें जो माइग्रेट होता है उसमें 72% माइग्रेशन में विलेज में और मसारत में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये कारण आता है कि माइग्रेशन इज द ओल्डेस्ट वेपन अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के अगेंस्ट में। सब चर्चा करूंगा जितना जल्दी हो, मैं चर्चा करूंगा कि आप लोग आर्थिक के बाद तो नेपाल की जो स्थिति है अभी इतना गहरा समस्या में लोग है, तो इसके लिए ट्रैफिक का लोग बहुत अलर्ट हो गया कि वो सोच रहे हैं कि उसका एक अपॉर्चुनिटी है, वो बच्चे को ले सकते हैं। तो करीब जो नेपाल की जो ट्रैफिकिंग का हिस्सा, तो ये बहुत सालों से चल रहा है और अभी जो हम देख रहे हैं कि ये अर्थक्वेक के बाद की नेपाल की बच्चे का बहुत सारा मिसिंग की केस आ रहा है। अभी रिपोर्टेड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी स्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा लगता है लगभग करीब इसका जो ट्रैफिकिंग का इंक्रीजिंग हार लगभग 10% जैसे इंक्रीज हो गया है। क्योंकि नेपाल में अभी जो भूकंप आया उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को आ रही हैं कि वहाँ के लोगों को नौकरी देने के बहाने बच्चों को लोग बरगला के फुसला के लाना चाहते हैं और ला करके इधर वो किसी कारण से कभी भी किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार ना हो जाएं, इसलिए हम लोगों ने अपने लोगों को सभी को एक वर्कशॉप के ज़रिए जिसमें एनजीओज को भी अपनी तरफ के और उस तरफ के एनजीओज को भी इन्वॉल्व करके हम लोगों ने एक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की है।